30% टैक्स ऑन FNO, ये न्यूज़ अब हर जगह में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप में आ चुका है। बहुत लोग मेरे से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो चलिए ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है ये न्यूज़। अगर 30% FNO पे टैक्स लगता है तो क्या हो सकता है, क्या लग सकता है, क्या लगने वाला है, हम कैसे इसको टैकल करेंगे, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम सिंपल सी बात को सिंपल रखते हैं तो ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि 30% टैक्स लग रहा है FNO के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही हम बोल सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ मीडिया कवर कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल मैंने देखा है जहां पे बोला जा रहा है कि बजट के टाइम पे एक इम्पोजिशन आ सकता है, एक नया रूल आ सकता है जहां पे FNO का टैक्स बढ़ाया जा सकता है, एक टैक्स हाइक इम्पोज हो सकता है। लेकिन कितना परसेंट है, कितना बढ़ेगा, कहीं पे भी कोई भी क्रेडिबिलिटी सोर्स नहीं है। वो ये सिर्फ एक अजम्पशन है। पहली बात तो इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो पहले हम उछलेंगे नहीं कि ये हो गया, हो सकता है कुछ नहीं बढ़े और हम बेतुका, मतलब ये 10-12-15 दिन बहुत ज़्यादा चिक चिक मिच मिच हो जाए लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना बढ़े, वो भी हो सकता है। अब बंगाली में एक कहावत है, जा रोटे ता किछु तो बोटे, मतलब इतना जब हाइप में आ रहा है, समथिंग विल बी देयर, कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रोविजन शायद आ सकता है जिसमें FNO के टैक्स को लेके थोड़ा सा डिस्कशन आए, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ सोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ स्टैट्स और फैक्ट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, 2017 के बाद LTCG को इम्पोज किया गया, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उससे पहले 0% था, अभी 10% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% किया गया है। एक तो इतना हम ज़्यादा टैक्स बर्डन में है, STT से लेके GST हर एक चीज़ में हम टैक्स भर रहे, ऊपर से अगर ये चीज हो जाता है तो बहुत दिक्कत आ जाएगा लिक्विडिटी लेके। क्यों दिक्कत आएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या लगता है, हम जैसे रिटेल सिर्फ और सिर्फ क्या हम यहां पे मार्केट पे पार्टिसिपेंट है FNO पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो चलो एक लॉट आप किसी ने ले लिया, कोई 10 लॉट ले लिया, किसी ने 100 लॉट ले लिया, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन को भी छोड़ के एक मेजर पार्ट पार्टिसिपेट करता है FNO में। कौन? बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से लेके बड़े बड़े प्लेयर्स। वाई? अगर आपने NISM 8 दिया है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, NISM का बहुत सारा सीरीज पढ़िए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा हेजिंग के टाइम पे कवर्ड कॉल हो गया, प्रोटेक्टिव पुट हो गया, आयरन कॉन्डोर जैसे बहुत सारे न्यूट्रल स्ट्रेटजीज से लेके बहुत सारे चीजों में बड़े बड़े प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स, इंस्टीट्यूशंस FNOs पे करते हैं, बिकॉज हेजिंग के बिना तो होगा नहीं। आप क्या ना क्या चाहते हो, सपोज मेरे पास रिलायंस का शेयर है 1 लाख रुपए का और मुझे कल को पता लग रहा है कि रिलायंस का शेयर में कुछ हलचल आ सकता है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं शेयर को बेच दूं तभी अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लूं, या फिर मैं कुछ नहीं करूं। यही 2 ऑप्शन सबको पता होता है, लेकिन एक थर्ड ऑप्शन भी तो होता है ना, जिसके हेजिंग बोला जाता है। मैं हो सकता है एक प्रोटेक्टिव पुट ले लिया, मैं हो सकता है एक थोड़ा सा कॉल बेच दिया कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को रिलायंस अगर थोड़ा सा डुबकी लेगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वो हेज हो जाएगा। अब अगर ये हेजिंग के बाद, सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूं ये कितना दिक्कत करेगा, मैंने रिलायंस का हेज कर लिया, अब सपोज मुझे एक्चुअल स्टॉक में 10% का लॉस हुआ लेकिन बिकॉज मैंने हेज किया था, पुट लिया था, मुझे 10% का प्रॉफिट हो गया। अब दोनों तो ऑफसेट हो रहा है ना, मेरा तो PNL ऑफसेट हो रहा है, लेकिन मुझे वो प्रॉफिट में 30% टैक्स देना पड़ेगा। कैन यू इवन इमेजिन, मुझे वो प्रॉफिट में जो मैंने हेजिंग करके कमाया, जो कि सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो के लॉसेस के साथ कट ऑफ हुआ है, उस पे मतलब FNOs के वो वाले चीज में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कैन यू इवन इमेजिन व्हाट इज दिस एब्सर्ड थिंग, बिकॉज ये सब तो हम करते रहते हैं, ठीक है, हमारे पोर्टफोलियो में हम सब करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक है, एक्स स्टॉक है या ए स्टॉक है या बी स्टॉक है, जो भी एक स्टॉक है, उसका आप लॉन्ग व्यू पे 2-3 साल पे आप लॉन्गर एक व्यू रख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हो सकता है, बजट आ रहा है, कोई वोट का डिसीजन आ सकता है, RBI का रेट कट आ सकता है, तो आप वहां पे थोड़ा सा खुद को पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हेज कर दिए ताकि जो लॉसेस आपका पोर्टफोलियो में दिखा है वो कट ऑफ हो जाए आपके हेजिंग पोजिशन के साथ, लेकिन इसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होगा, क्या आप हेज करोगे? आप सिंपल सी बात सोचो, क्या आप हेज करोगे? कभी हेज नहीं करोगे। आप क्या करोगे? पोजीशन निकाल दोगे। इस टाइम पे प्रॉब्लम आएगा लिक्विडिटी का, दैट इज द फॉरमोस्ट, मतलब बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर ये डिसीजन आता है 30% टैक्स का तो लिक्विडिटी को लेके प्रॉब्लम आएगा। लिक्विडिटी रिटेल का नहीं, बड़े प्लेयर्स का, इंस्टीट्यूट्स का लिक्विडिटी को लेके प्रॉब्लम आएगा। हमारे 1-2 प्लेयर का चले जाने से क्या लिक्विडिटी में दिक्कत आएगा? रिटेल सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पंच नहीं करते,
हम मानते हैं एक रिटेल एक पार्ट तक लिक्विडिटी को पंच करते हैं मार्केट पे, लेकिन बड़े प्लेयर्स का एक होना भी तो जरूरी होता है ना, तो वो चीज दिक्कत आ जाएगा। बिकॉज हर कोई चर्निंग तो बार बार करेगा नहीं ना, क्यों चर्निंग नहीं करेगा आपको तो ये भी समझना पड़ेगा। अगर सपोज किसी के पास 100 करोड़ का माल है, छोड़ो 100 करोड़, 10 करोड़ का माल है, 10 करोड़ का माल है, वो अगर ऐसे ऐसे करता रहेगा कि आज कल को एक अनसर्टेनिटी आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा माल बेच देता हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, दिस इज रॉ लैंग्वेज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशंस, मैं माल माल बोल रहा हूँ बार बार, इट इज़ नॉट अबाउट एनी टाइप ऑफ, आप ऐसा नहीं मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ और इंडिकेट कर रहा हूँ, नहीं, ये फील्ड में यही हम डिस्कस करते रहते हैं जब भी किसी के साथ बात होता है, जितने भी बड़े प्लेयर्स होना क्यों ना हो जाए, देसी भाषा में ही टॉक होता है, वी डोंट मतलब कोई भी, मैंने किसी को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना है करोड़ों का पोजीशन संभालते हुए भी कि आई एम ऑफसेटिंग माय पोजीशन, वो लोग सिर्फ बोलते माल काट रहा हूं, तो मैं भी वहां पर ही बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास 10 करोड़ का माल है, 10 करोड़ का माल है, अब कल को आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ जा सकता है, अब आप वहां पे सिटिंग आइडल तो बैठे नहीं रहोगे, आप चुपचाप बैठे तो नहीं रहोगे कि जो होगा राम भरोसे, नहीं, आप वहां पे कुछ ना कुछ करोगे। अब अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं अपना पोजीशन आज काटता हूं, कल को देख के परसों फिर ले लूंगा, तो ये दो बार आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ तो हुआ, एक बार सेल हुआ फिर से बाय हुआ, एसटीटी तो बार बार आ रहा है ना, एसटीटी जीएसटी टैक्सेस ब्रोकरेजेस तो बार बार आ रहा है, वो तो फ्री नहीं है, उनका पैसा तो मगना नहीं है ना, तो वही चीज है, बार बार कौन देगा, बार बार चार्जेस कौन देगा, तब हेजिंग का चीजें आता है। अब अगर हेजिंग करने पे जहां पे मैं अपना ऑफसेट कर रहा हूं वहां पे भी टैक्सेस लग जाएगा, क्या कर, क्या कैसे कैसे लिक्विडिटी वो मेंटेन होगा मार्केट पे, आप बताओ, ये क्वेश्चंस बनता है बात का। अच्छा, एक और चीज, अब कोई बोल सकता है कि तो हम ऐसे देख लेते हैं ना कौन स्पेकुलेट, कौन हेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ऐसा कोई प्रूवन मेथड है ही नहीं जहां पे आप हेज कर रहे हो या फिर आप नेकेड प्ले कर रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो, वो चीज हो पाए, देयर आर नो सच प्रूवन मेथड्स, क्योंकि कैसे करोगे, मैं बोल सकता हूं कि मैं हेज कर रहा हूं लेकिन मैं वहां पे डबल पोजीशन पे ले रहा हूं, तो दैट कांट बी पॉसिबल। तो वहां पे आएगा लिक्विडिटी का फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रॉब्लम, कि अगर ये डिसीजन होता है तो मार्केट में एक बड़ा चंक ऑफ लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगा। ये मैंने बता दिया हायर बड़े लेवल के प्लेयर्स का। अब अगर हम रिटेल की प्लेयर्स की बात करते हैं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेबी 10 में से 9 लोग लॉस मेकिंग है, 1 प्रॉफिटेबल है, ओके बढ़िया बात है, 10 में से 9 लोग लॉस मेकिंग है। अब जो 9 लोग लॉस मेकिंग है उसको, वो उसको इसको लेके कोई टेंशन की बात तो है नहीं, बिकॉज TDS क्या ही काटेगा उसका, उसका तो प्रॉफिट मतलब ऐसा तो नहीं है कि पर ट्रेड में आपका ट्रेड जैसे एग्जीक्यूट होगा तभी आपका टैक्स कट जाएगा, नहीं, सालाना आपका फिनेंशियल ईयर में आपका ITR जब फाइल रिपोर्ट होगा तब आपका टैक्स कटेगा, तो अगर 30% आता है तो अल्टीमेटली वहां पे तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, बिकॉज लॉस मेकिंग है, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, जो लिक्विडिटी पहले भी था, पंच हो रहा था, वो अब भी होगा। तो इसीलिए मुझे ये भी समझ नहीं आता है ये डिसीजन के बाद हाउ इट विल हेल्प द रिटेल टू नॉट पार्टिसिपेट इन द मार्केट, बिकॉज नए प्लेयर्स आप कुछ भी रूल्स ला दीजिए, पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत बार देखा है, लिवरेज घटा है, लिवरेज 20 times से 14 times, 5 times, 4 times शायद कल को ना दे, ऑप्शन सेलिंग में लिवरेज घटा है, ये टैक्सेस बढ़ाया है, वो चीज हुआ है, इतना कुछ करने के बाद भी रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कभी घटा नहीं है, उल्टा वाइस वर्सा वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। इससे अच्छा तो यही बात है ना, हम आप कोई भी रेगुलेटर बॉडी या फिर कुछ भी कोई भी गवर्निंग बॉडी रिटेल को एडुकेट कर दे, कोई टेस्ट ला दे, उसके बाद में मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटेल को क्या दिक्कत होगा, लॉस मेकिंग्स को तो उतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, और जो लोग थोड़ा बहुत मान के चलते ब्रेक इवन में आए हैं, अब उनका प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी आएगा, शुरू होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसेंगे। और जो लोग प्रॉफिटेबल है, सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर इस तरह का 30-35%, क्योंकि 30% अगर टैक्स रेट आएगा तो वो 30 पे नहीं रुकेगा, वो 35 से 40 आ जाएगा, STT है, GST है, ब्रोकरेजेस है, वगैरह वगैरह फलाना धमकाना बहुत कुछ है, वो लोग सिंपल क्या करेंगे ना, स्विंग पे चले जाएंगे। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, बिकॉज पैसा कमाने से मतलब है, ऐसा नहीं ऑप्शन से ही कमाना है, जहाँ पे टैक्स कम लगेगा वो वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन जो लोग केवल ब्रेक इवन से उठे हैं उनको, उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक क्विक बक्स यू हैव टू बी इन द डेरिवेटिव मार्केट, तो ये सिंपल सी बात है, तो उनको बहुत दिक्कत आएगा, तो ये चीज़ कमर तोड़ देगा उनका। अब ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इवन कि मैं भी यही करता हूँ, हम मार्जिन नहीं लेते, हम फ्यूचर्स लेते हैं स्टॉक्स का। अगर सपोज ये तो एक मेजर पार्ट हो गया ना लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, अगर कोई स्टॉक पे हमें काम करना है, कैश में हम कितना काम करेंगे, कैश आपके पास कितना सरप्लस रहेगा, नहीं रहेगा। मेरे को तो छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत ही मतलब नाखून के बराबर एक ट्रेडर हूँ, जो बड़े ट्रेडर से कितना कैश पे काम करेंगे, या तो मार्जिन आएगा या तो फ्यूचर आएगा, है ना, डेरिवेटिव मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट इन इंडियन मार्केट,
तो या तो मार्जिन पे आएगा या तो डेरिवेटिव में आएगा। अब मार्जिन पे ऑब्वियसली मार्जिन ई मार्जिन पे जाएंगे, एमटीएफ प्रोडक्ट में जाएंगे तो मार्जिन ज़्यादा लगेगा। हाँ ब्रोकर के साथ अच्छा खासा संबंध है, आपका इंडस्ट्री रेट से कम दे दिया है मार्जिन आपको तो ठीक है, 6-7% दे रहा है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है 18% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सालाना 18%, कोई कोई 14% पे देता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्यूचर में जाएंगे, अब वहां पे मैक्स टू मैक्स हेज नहीं होता है, वहां पे नेकेड चलता है। सपोज आई एम फीलिंग कि एक स्टॉक पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, एक टारगेट रहेगा, और यहां पे हम फ्यूचर पे लेंगे। अब फ्यूचर में क्या होगा, लगभग लगभग 4-4.5 times लीवरेज मिल जाता है फ्यूचर में। अब अगर फ्यूचर में मैंने एक स्टॉक लिया 1 लाख रुपए से, 4 लाख का मैंने टोटल क्वांटिटी में स्टॉक लिया है, कल को मुझे प्रॉफिट होगा, उसमें भी मुझे 30% देना पड़ेगा, फिर कैसे हम काम करेंगे? फिर तो क्या होगा ना, लिक्विडिटी में क्या करूंगा मैं, नॉर्मल लोग क्या करेंगे, कैश में चले जाएंगे। अब जैसे कैश में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम देगा। प्लस जो लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं, बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं, दे डोंट डू ऑप्शन ट्रेडिंग बट दे आर वेरी गुड फ्यूचर ट्रेडर्स, पर्टिकुलरली ऑन स्टॉक, नॉट ऑन इंडेक्स, नॉट ऑन इंडाइसिस, पर्टिकुलरली ऑन स्टॉक्स। स्टॉक्स पे वो लोग बहुत अच्छा फ्यूचर ट्रेड करते हैं, प्रॉपर स्विंग ट्रेड करते हैं, महीने में एक या दो स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, देर देर महीने में पोजीशन अपना बुक करते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनको भी दिक्कत आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, ये तो फिर मतलब ऐसा हो गया ना, मतलब खाए कम और बोल नहीं पा रहा हूँ वो वर्ड, ये बहुत ही एक मतलब वाई आर डिसीजन होने वाला है इनके अगर होता है तो, मतलब हैट्स ऑफ। मैं आर्टिकल पे देख रहा था कि ट्रेडिंग का हेड ही बदल देंगे, हेड जो होता है ना, अब तक आ रहा था कि बिजनेस इनकम, इसलिए बिजनेस इनकम के स्लैब में आ रहा था, अब वो स्पेकुलेटिव इनकम कर देंगे, मतलब क्रिप्टो जैसा। अब गवर्नमेंट ही हमें बोल रहा है कि वी आर स्पेकुलेटर्स डायरेक्टली, मतलब हम जुआरी है, अब तो हम क्या बोलेंगे, मतलब हाँ फिर भैया मैं हूँ जुआरी, मैं क्या बोलूँ। अगर आप ही गवर्नमेंट ही ऐसा हो जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दीज आर द थिंग्स दैट विल कम इफ दिस हैपेंस ऑन द बजट, मतलब अगर ये आ जाता है ऐसा कोई प्रोविजन, तो मैं ये जो वीडियो है तब जाके मैं और ज्यादा मतलब इस पर गौर करूंगा, अदरवाइज अभी भी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो रिटेल के लिए अच्छा नहीं होगा, बड़े प्लेयर्स के लिए शायद अच्छा ना हो। अब उनके पास इतना पैसा है, कुछ ना कुछ वो लोग प्रोविजन्स निकाल लेंगे, लेकिन एक मेजोरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या है ना, तीन तरह का ट्रेडर होगा, एकदम रिटेल होगा, एक हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, मिडिल में भी तो है जो कि रिटेल से बच चुके हैं और इंस्टीट्यूट से कम है, अब उनके पास करोड़ों रुपए है लेकिन 1000 करोड़ नहीं है। अब इंडिया में हम सबको पता है कि 10-12 करोड़ से कोई ट्रेड करता है तो उसको रिटेल कैटेगरी में ही ला देते हैं लोग, लेकिन 10-12 करोड़ इज नॉट अ जोक ऑफ अमाउंट, तो उनको कितना दिक्कत आएगा, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल हाई हो चुका है, उनका उनका बहुत सारा चीज़ें हाई हो चुका है। अब वो लोग अगर कोई 10-12 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, दे आर सीरियस ट्रेडर्स, दे आर फ्रीकिंग सीरियस ट्रेडर्स, उनका प्रोफेशन ट्रेडिंग है, अगर रोजी रोटी का मतलब बात आ जाएगा, इसीलिए लोग अब बाहर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, दिस इज एब्सर्ड। एक तो STT भी है ऊपर से, मतलब STCG तो है ही, फिर TDS भी है, उसके बाद इनकम टैक्स का स्लैब्स भी तो रहेगा ही रहेगा, मतलब क्या ही बोलूं मैं, आई एम जस्ट स्पीचलेस। ये फेब्रुवरी मार्च का जो रिपोर्ट था, STT आया है लगभग 25,000 करोड़ गवर्नमेंट के लिए, 25,000 करोड़ STT आया है गवर्नमेंट के लिए, 26% ग्रोथ आया है लास्ट ईयर का जनवरी फेब्रुवरी मार्च का कलेक्शन से इस साल में, तो इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ऑब्वियसली पार्टिसिपेशंस और भी बढ़ेंगे। अब अगर ये दिक्कत आ जाएगा तो फिर तो यहाँ पे दिक्कत आ सकता है, एंड आई डोंट केयर कि मतलब कितना रुपए गवर्नमेंट हमसे ले रहा है नहीं ले रहा है, अनटिल एंड अनलेस वी आर हैप्पी इट्स ओके। आप 10-12 टका ले रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 50 टका पे डायरेक्ट चले जाओगे। कोई कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं, 12 महीने में से अगर टैक्स काट दे तो 8 महीने काम कर रहा है, 4 महीने गवर्नमेंट के लिए, अब वो अपना पैसा बचा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें भी TDS दे दो, अब लॉस। अब और एक चीज़ कौन सा हेड था कि अब FNO का लॉस आप सिर्फ FNO के साथ ऑफसेट कर सकते हो, ऐसा भी एक पॉइंट पड़ा था। मतलब क्या है, सपोज आपने फ्यूचर में प्रॉफिट किया है, फ्यूचर में लॉस मान के चलते आपने स्विंग ट्रेडिंग में एक स्विंग का लॉस बुक किया, या फिर आपका एक इन्वेस्टमेंट, हालांकि इन्वेस्टमेंट कभी भी लॉस होता नहीं, लेकिन कभी कभार होता है कि हम पोर्टफोलियो का कुछ चंक्स पेटी स्टॉक्स पे, पेनी स्टॉक्स पे, स्टॉक्स पे डाल देते, सपोज वहां पे आपने 10% आपका लॉस किया है, अब उसको आप ऑफसेट नहीं कर पाओगे FNO के साथ, जो पहले होता था उसको आपको FNO का लॉस आपको ऑफसेट FNO के साथ ही करना पड़ेगा। ये तो एकदम सरासर मोनोपोली हो गया, बिकॉज इस तरह से अगर होता रहेगा ये तो मोनोपोली हो गया कि कोई कुछ भी कर देगा, मतलब गवर्नमेंट जब चाहे वो कर देगा। कहीं ना कहीं एक रोक टोक, एक बॉडी होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी होना चाहिए जो आवाज़ उठाए, बिकॉज दिस इज एब्सर्ड। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना, लॉन्ग टर्म पे पैसा कैसे, लॉस तो हर किसी को होना है, 1-2 साल लॉस होगा ठीक है, तब आप भूल जाओगे, जो भी नए प्लेयर्स है, नए ट्रेडर्स है, उनको 1-2-3 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, एक जगह के बाद जाने के बाद तो कर्व ठीक होगा ना,
ब्रेक इवन पे आएंगे, अब प्रॉफिट होगा। अब आप ऑप्शन में लॉस किए हो और जब आप प्रॉफिट करने जाओगे तब आप स्विंग ट्रेडिंग में चले जाओगे, तब तो ऐसे तो फिर तो आपका ग्राफ स्लो हो जाएगा ना। ऑप्शन में लॉस किए हो, ऑप्शन में कवर करोगे तब जाके वो फास्ट होगा। ऑप्शन में लॉस किए हो जो कि एक रॉकेट है और फिर आप कवर कर रहे हो स्विंग में जो कि एक नॉर्मल सा एरोप्लेन है, तो स्पीड में मैच नहीं होगा। क्या होता है नॉर्मली, पहले लॉस होता है, जिस स्पीड से उस स्पीड से प्रॉफिट भी होता है, फिर जाके लोग डिसाइड करता है कौन सा जर्नी उनके लिए अच्छा है, रॉकेट पे बैठे या एरोप्लेन पे बैठे। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाएगा तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मूव। और इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद 30% गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगा। मैंने इस पर डिस्कस भी किया है। एक हो सकता है जिसे हम एक स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं ऐसे कि जो भी बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा, कोई भी दुकान पर आपका अगर कोई सामान लेने आता है, सपोज़ आपसे पूछ रहा है वो कि भैया ये कितने का है, अगर उसका MRP 100 रुपये है तो आप अगर उसको 200 बोल दोगे, 200 रुपये, तो 150 में वो खुश हो जाएगा। मैं बनिया की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं बार्गेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ा के बोलोगे वो उसके एक्चुअल वैल्यू से भी ऊपर में बिक जाएगा, फिर भी लोगों को लगेगा चलो कम में मिल गया। ऐसा बहुत बार होता है, 50 रुपये का चीज़ 400 रुपये बोल के 80 पे बेचो, ओके गुड। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है गवर्नमेंट का कि 30% का ये हाइप क्रिएट हो गया, अब अगर 15% आ जाता है जो कि पहले 10% था STCG, वो अगर 15% हो जाता है या फिर फ्लैट TDS भी 10% कर देते हैं, STCG तो लगेगा ही, स्लैब तो लगेगा ही, TDS भी 10% फ्लैट हो जाता है, फिर भी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी लोग ओ बच गए 30 से 10, है ना। लेकिन अगर डायरेक्टली 10 पे बात करते तो वहाँ पे बात सवाल उठ जाता, यही सवाल 10 पे उठ जाता, तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकता है। आई डोंट नो क्या सोच रहे, ऑब्वियसली देयर आर हायर एडुकेटेड पीपल, देयर आर मतलब मेरे से 1000 गुना ज़्यादा दिमागदारी इंसान होंगे वहाँ पे, लेकिन इतना तो मैं बोलूँगा ही कि प्लीज़ कमर मत तोड़िए। इससे क्या हो जाएगा ना, इकोनॉमी तो शायद ठीक भी हो जाए लेकिन कमर टूट जाएगा तो अल्टीमेटली फ़ायदा क्या है। जो लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, वो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। एक और चीज़ है कि इनकेस अगर सच में रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कि अगर सच में रिटेल को लेके इतना आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि रिटेल ज़्यादा ऑप्शन, ऑब्वियसली डेरिवेटिव मार्केट बहुत बढ़ चुका है, बहुत इवॉल्व हो चुका है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत डीमैट्स ओपन हो गया है, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद कूद के आ रहा है, इनको अवेयर कीजिए ना, एडुकेट कीजिए ना कि टैक्स बढ़ा देते। बिकॉज क्या होगा, ये तो ऐसा हो गया ना, 10 आदमी नए आए हैं जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से घिस रहे हैं अपने आप को, अब जाके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, तब जाके आप उन पे आप दिक्कत कर रहे हो। ये तो चले जाएंगे, जो लोग नए आएंगे अरे बाप रे आया धक्का वॉल देख लिया यहाँ पे नहीं हो सकता करियर, बाजू में शिफ्ट हो गया। लेकिन जो लोग 5-6 साल 7 साल 8 साल से है वो तो नई जगह पे नहीं जा सकते ना, बिकॉज दीज आर ये हमारा रोजी रोटी है, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। और मैं बहुत ज़्यादा इसको पर्सनली लूंगा बिकॉज दिस इज माई ब्रेड एंड बटर रियलिटी, ये रियलिटी है। और जो लोग मेरे साथ आप रिलेट कर पाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाउ आर यू फीलिंग, मतलब इस तरह का चीज़ें होगा तो मुझे तो अब डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है। सपोज़ ये चीज़ नहीं हुआ और 2 साल बाद मैं इस पर और ज़्यादा फोकस्ड हूँ, और ज़्यादा पैसा डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ, और 2 साल बाद एक चीज़ आ गया FNO में 50% फ्लैट TDS लग जाएगा और मोनोपोली आ गया चीज़ों का, मतलब मैं अगर सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं इट गिव्स मी अ यू नो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत डरा देता है। और वही चीज़ अगर सच में रिटेल की भलाई चाहते तो एडुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए। कैसे, ब्रोकर को हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट ला दीजिए कि ये टेस्ट पे पास होने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग किया जा सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे मैं दोस्त के साथ टेस्ट दिलवा दूंगा, देखिए करने को कुछ भी किया जा सकता है लेकिन एक अवेयरनेस होना चाहिए ना। कोई अगर जानबूझ के कुएं में छलांग मारेगा तो वो तो कुएं की गलती नहीं है ना, वो पर्टिकुलर इंसान का गलती है, लेकिन कुएं के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पे मत चलिए। तो सेम चीज़ है, जो ब्रोकर ओपन होते ही एक डिस्क्लेमर आता है ना कि आउट ऑफ 10 पीपल 9 पीपल ये हम कोई पढ़ता भी नहीं है उसको, ब्रोकर ओपन होता है आई अंडरस्टैंड द रिस्क, बस हो गया, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज़ जस्ट एब्सर्ड। अगर सोल्यूशन लाना ही है तो उसी अकाउंट को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलाउ कीजिए जो एक पर्टिकुलर टेस्ट में पास होगा। अगर और ज़्यादा हाईटेक चाहिए तो ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, वीडियो टेस्ट हो सकता है कि कोई बंदा बैठ के ही देगा, जो कि अभी बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, टेस्ट हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर टाइम हो सकता है कि अकाउंट ओपनिंग के 60 दिन बाद या 65 दिन बाद ही ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है, तब तक आप कुछ भी कर लो, एटलीस्ट लोग
अकाउंट ओपन होके कूदेंगे नहीं, इससे उनका अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं कि आप टैक्सेस बढ़ा दो, आप लीवरेज बढ़ा दो, लीवरेज घटा दो, आप नेटवर्थ अगर किसी का 50 लाख नहीं होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाए, ये क्या है यार। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई बंदा लास्ट 10 साल से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ब्रोकर में काम कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है बट उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अब उसके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख आया है, अब वो जाकर ऑप्शन ट्रेड करने वाला है, लेकिन उसका नेटवर्थ 10 लाख से कम है, तो क्या वो ऑप्शन ट्रेड नहीं कर पाएगा? नो, एक मतलब एक सिस्टम तो है ही ऑलरेडी, बस पॉलिशिंग की जरूरत है। एनीवे, लेट्स होप कि जुलाई के मिड में जो बजट आए ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना आए, और अगर आता है तो मैं आपसे यही दरखास्त करूँगा, यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी टाइम है यूनाइट होने का, अभी टाइम है एक रिटेल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने का। एक मूवी में सजेस्ट करूँगा आपको, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, आज वीकेंड है, रात को देखिए, डम्ब मनी। कौन सा किस्सा है ये? गेम स्टॉप का किस्सा है। आई नो एवरी ट्रेडर नो अबाउट दिस स्टोरी कि कैसे एक स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रहे थे बड़े बड़े फंड मैनेजर से लेकर सब कोई, और रिटेल की वजह से उनको $1 बिलियन का लॉस हुआ है। दिस इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, आप लोग जाके देखिए। मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर एकजुट हो जाते हैं ना, बहुत लोग एकजुट हो जाते हैं तो कोई भी बिल पास हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और ये चीज़ अगर होगा, मुझे पता है जो लोग नए ट्रेडर्स हैं उनको शायद फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, जो लोग नॉर्मली है उनको शायद फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, लेकिन आज आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कल को आपको फ़र्क पड़ेगा। इफ़ यू आर रियली इनटू दिस करियर प्रोफेशन, अगर आप सच में सीरियस हो, आज नहीं तो कल आप प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी में जाओगे, तब क्या होगा? अभी तो लॉस हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टैक्स नहीं देना है, कल को तो प्रॉफिट हो सकता है ना। एक बात याद रखिएगा, बहुत कम इंस्टेंसेस पे ऐसा होता है कि टैक्स बढ़ने के बाद घटता है, बढ़ेगा 10%, घटेगा 2%। एक बार अगर स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट को तो चाहिए पैसा, कहाँ से भी आए। वो एक बार अगर वो सेटअप पे आ गया कि ये पैसे से ऐसा कुछ हो गया, जो एक्सपेंडिचर सेट हो जाएगा वो गवर्नमेंट यहाँ का टैक्स घटा देगा, तो ये एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करेगा? तो प्लीज़ देखिएगा, थोड़ा मूवी को भी देखिएगा, इट्स टाइम टू गेट यूनाइटेड। और बात वही है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई थॉट कि ये शेयर करना ज़रूरी था, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वीडियो, इस तरह का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। अब जब बात खुद पे आ जाता है तो बहुत दिल पे लगता है, नॉर्मली ठीक है चलो, अब जब जेब में बात आ जाता है तब दिल पे लगता है, क्योंकि 5-6 साल एक आदमी घिसता है, उसके बाद जाके कुछ पैसा आता है, ठीक है। सपोज 10 रुपये ही मेरे पास आया है ना, मैं 5 रुपये क्यों दूँ, 2 रुपये, अब 1.5 रुपये टैक्स ले रहा हूँ, ठीक है, 5 इज़ नॉट जस्टिफाइड, वही चीज़ है। वीडियो को ख़त्म करेंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे कमेंट करके अपना राय भी ज़रूर बताइएगा इस चीज़ों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इस तरह का वीडियो हम लाते नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का अच्छा खासा लाइक आया इस वीडियो में, कमेंट्स आया, तो मैं ज़रूर इस तरह का नॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूँगा और इस तरह का वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, द बंगाल ट्रेडर साइनिंग ऑफ़।